बक्सर की महाशक्ति कालरात्रि नवदुर्गा धाम में अलौकिक रहा नजारा। 408 कन्याओं का भोजन कराने के बाद सबकी हुई विधिवत पूजा। बक्सर के पुलिस लाइन स्थित कालरात्रि नवदुर्गा धाम क्षेत्र के चर्चित धामों में से एक अलग स्थान रखता है। लोगों का मानना है कि कोई भी दुख परेशानी कष्टों का फरियाद दुर्गा माँ के स्थान पर करते हैं तो निश्चित ही दूर हो जाता है। बताते चले कि आज के दिन उक्त स्थान पर जिले के अलावा अन्य शहरों से लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था और साथ ही साथ 408 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही कन्याओं का विधिवत पूजा पाठ भी किया गया। साथ ही उक्त धाम के संतों का कहना है कि शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रियों में देवी माँ के सभी साधक कन्याओं को माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म के लोगों ने सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज कराने की परंपरा है। विशेषकर कलश स्थापना करने वालों और नौ दिन का व्रत रखने वालों के लिए कन्या भोज महत्वपूर्ण माना जाता है। भविष्य पुराण और देवी पुराण में कन्या भोज का वर्णन किया गया है। इस वर्णन का अनुसार नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा है। प्रसाद और पौधे देख कर एक एक कन्या पर ध्यान दे करके छोड़ना है। जय माता की, बोलिए जगत जननी माता की। मीडिया वाले भैया, आप थोड़ा माता रानी के यहाँ गेट पे आ जाइए। रविराज भैया, का नौवा दिन है। यहाँ बहुत धूमधाम से पाठ बैठता है और हवन चलता है। 10 दिन 10 रात, रातों दिन अखंड हवन चलता है और जोत जलती है। उनकी पूर्णाहुति के लेकर नौ कन्या को आज 408 कन्या के पूजन हुआ है, भोजन हुआ है और दान हुआ है। उसके अनुसार भंडारा हुआ है और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ माँ की महिमा के अनुसार सब होता है। ये माँ का वचन से चलता है भंडारा और जयकारा, जो भी चलता है माँ की कृपा चलता है। माँ की कृपा क्या है क्या नहीं है ये तो पूरे समाज और पूरे जितना भक्त जुटे हैं वही बता सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि इस नगर में हम मंदिर बनाने के लिए आए थे, पूजा करने के लिए आए थे। हम शुरू से कन्या खिलाते हैं, पूजा करते हैं और जोत जलाते हैं और भंडारा चलाते हैं और 9 दिन 9 रात के हवन चलाते हैं। आज इतनी पूरी संख्या भक्त देखा देखी, सब एक दूसरे के अनुसार आ रहा है। जिनको जो भलाई है, जो कार्य हैं उनका पूर्ण हुआ है, वो आके खुशी में यहाँ भंडारा करते हैं, हवन करते हैं, पाठ रखते हैं, कलश रखते हैं। ये मेरे कहने से नहीं, मेरे चलते नहीं, जिनका मुराद पूरा होता है वहाँ के करते हैं। सर, अपार जन सैलाब पूरे बिहार में इस जगह का एक नाम सा हो गया है, चर्चित हो गया, क्या इस जगह का विशेष क्या महत्व है? ये माता रानी की कृपा, ये तो माता रानी ही जानेगी। यहाँ 9 अखंड जोत रातों दिन चलता है और हवन चलता रहता है 9 दिन 9 रात, और जोत जो है सालों साल के लिए 9 जोत यहाँ जल रही है। ये माँ के कृपा से जो भक्त आते हैं जिस कार्य के लिए, माता के यहाँ माथा टेकते हुए मुराद मांगते हैं, अपना अर्जी करते हैं, माँ के कृपा से उनके आए मनोकामना पूर्ण होते हैं। वे जोर शोर से आके अपना पूजन करते हैं, भाव से अपना दर्शन करते हैं, भीड़ लगाते हैं, काहे खाती आते हैं ये तो सारा समाज ही बताएंगे, सारा भक्त बताएंगे। मेरा जो कार्य है हम आप लोग के बता रहे हैं। परचे ये बक्सर जिला में ही है, एक छोटा सा गांव है बड़का गांव पंचायत में कल्याणपुर, उसी गांव के ये भक्त हैं। ये चारों गांव, पांचों गांव पूरे ये जनता भक्त के खुशी मंगन से यहां भंडारा चलती है। सब भक्त
और सब माँ की कृपा के अनुसार आते हैं, सब भंडारा चलवाते हैं। मेरा ना कोई शक्ति है ना कोई मेरा औकात है। काहे ला भक्त आते हैं, क्या उनका मुराद है, क्या उनका खुशी होता है।